तो दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय से देखा कि अमेरिका को यहाँ पर अपने डिफेंस पार्टनर्स को लेकर काफी बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से जो देश यहाँ पर हथियारों को परचेज किया करते थे, हथियारों को लिया करते थे, वो अब हथियारों के मामले में अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों से इसी तरह की डील्स को कर रहे हैं। और ऐसे में आपने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो देश अमेरिका से लगातार अपने हथियारों को परचेज कर रहे थे, वो देश अब धीरे धीरे करके केवल अमेरिका से दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि अन्य देशों से भी हथियारों को परचेज करना शुरू कर चुके हैं। इवन दोस्तों, यहाँ पर इन देशों के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ अन्य देश से कभी हथियारों को खरीदने को लेकर सोचते भी नहीं थे, लेकिन अब वो अन्य देशों से हथियारों को न केवल खरीद रहे हैं, बल्कि अन्य देशों के साथ मिलकर कई तरीके के हथियारों को बना रहे हैं। और आपको पता होगा कि जापान अपने नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों को अमेरिका के साथ मिलकर या फिर अमेरिका की मदद के साथ बनाना चाहता है, लेकिन दोस्तों अब जापान की तरफ से अपने पूरे फोकस को चेंज किया गया है और जापान अब अमेरिका के साथ अपने नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट को नहीं बनाएगा, बल्कि अब जापान यहां पर 6th जनरेशन के फाइटर जेटों को ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर बनाएगा। ऐसे में दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि जापान ब्रिटेन के नेतृत्व में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ चुका है, जिसको कि पहले टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों का प्रोग्राम कहा जाता था, लेकिन अब आपको बता दें कि इसको CGAP यानी कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म का नाम इसको दिया गया है। और रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इन तीनों देशों के बीच में यानी कि जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के बीच में ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेकर यानी कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म को 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को एक नया इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों, अगर देखा जाए तो तीनों देशों के बीच में एक इनिशियल एग्रीमेंट हो चुका है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर टोक्यो में 14 दिसंबर के दिन और साथ ही इटालियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक बायलेटरल एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर कर चुके हैं और इस एग्रीमेंट का नाम ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयर प्लेटफॉर्म इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। और अब दोस्तों, यहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को किया जाएगा और ऐसे में अन्य पार्टनर्स को लेकर भी तीनों देशों के द्वारा मिलकर काम किया जाएगा। यहां पर आपको बताते हैं कि TT के जो डॉक्यूमेंट है उनके द्वारा भी ये साफ किया जा चुका है कि तीनों देश मिलकर या फिर ऐसे कहें कि तीनों देश के बिहाफ पर इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रोग्राम, डायरेक्शन, कंट्रोल और सुपरविजन साथ ही मैनेजमेंट को अंजाम दिया जाएगा। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत असल में एक बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव SCO के अंदर यानी कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयर प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों देशों के अलग अलग तरीके से यहां पर जॉइंटली इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है और इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है ताकि बाद में किसी भी एक देश के गवर्नमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट ना रहे, बल्कि ये प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट रहे और प्रोजेक्ट में बाद में किसी भी तरह का मतभेद ना हो। ऐसे में दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद में तीनों देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो जॉइंट बयान दिया गया है, उनके द्वारा एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी शेयर, वर्क शेयर और एयरक्राफ्टों को लेकर फंडिंग का जिक्र किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी वर्क है ये इक्वली तीनों देशों के बीच में डिवाइडेड होगा, तो वहीं एयरक्राफ्टों की जो फंडिंग है वो भी तीनों देशों के द्वारा इक्वली की जाएगी। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर अभी पहले इसी तरह के जॉइंट वेंचर देखे जा चुके हैं जो कि कई तरीके के डिफेंस प्रोजेक्टों को तैयार किया जा चुका है, लेकिन पहली बार दो यूरोपियन देश यूरोप के बाहर के देश के साथ मिलकर ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पहली बार की तरह जापान के द्वारा अमेरिका से हटके किसी अन्य देश के साथ मिलकर ये डील की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जापान पहले इसी प्रोजेक्ट को अमेरिका के साथ आगे बढ़ाना चाहता था। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये घटना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ऑलरेडी यूरोप के देश एक दूसरे के साथ मिलकर कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर कई सारे देश हैं जो कि अमेरिकी हथियारों को पहले खरीदा करते थे, लेकिन वो अब अमेरिकी हथियारों से किनारा कर चुके हैं और ऑलरेडी यूरोप के अंदर अमेरिकी हथियारों से दूर होने के स्वदेशी हथियारों को यहाँ पर डेवलप करने की बातें की जा रही हैं।
तो वहीं पर आपको बताते हैं कि जापान जैसे देश जो कि बीते 7 दशक से भी अधिक समय से केवल मात्र अमेरिका के साथ डिफेंस डीलों को अंजाम देते हैं, तो वो भी यूरोप के देशों के कारण अब अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। और यहां तक कि केवल जापान ही नहीं बल्कि कई सारे और भी देश हैं जो कि बीते 7 से 8 दशक से केवल अमेरिका से हथियारों को परचेज कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुद के हथियारों को बनाने के लिए कर अन्य देशों के साथ मिलकर हथियारों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि साउथ कोरिया जैसा देश जो खुद के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को कर रहा है, और साउथ कोरिया अपने खुद के बलबूते पर अब इंजनों के डेवलपमेंट को कर रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पर जापान जैसे देश और साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका को बड़ा झटका दे रहे हैं, तो वहीं धीरे धीरे अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। तो वहीं पर इस दौरान जापान की तरफ से एक और बड़े डेवलपमेंट को देखा जा रहा है, पर साउथ कोरिया के टाइपर नामक एंटी गाइडेड जो मिसाइल है उसके मास प्रोडक्शन को बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों तो आपको बता दें कि यहाँ पर जानकारी जो है साउथ कोरिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई है, और दिए गए बयान के मुताबिक साउथ कोरिया की तरफ से डोमेस्टिकली डेवलप किया हुआ एक एयर लॉन्च एंटी गाइडेड मिसाइल जिसे एक टैंक स्नाइपर भी कहा जाता है, और DAPA की तरफ से ये भी बताया गया कि इन मिसाइलों का जो मास प्रोडक्शन है वो साल 2024 से स्टार्ट किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा मास प्रोडक्शन है वो 2031 तक चलेगा, और इसके बीच में बहुत सारी बड़ी संख्या में मिसाइलों को मास प्रोडक्शन किया जाएगा। और DAPA की अगर यहाँ पर बात माने तो इस प्रोग्राम का जो टोटल कॉस्ट है वो करीब 724.8 बिलियन साउथ कोरियन डॉलर के हो सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर करीबन 555 बिलियन US डॉलर की ये पूरी कॉस्ट होने वाली है। ऐसे में दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया की तरफ से एंटी गाइडेड मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए किस तरह की एक बहुत बड़ी खर्चा किया गया है, और किस तरीके से अब इसी खर्चे के बलबूते पर साउथ कोरिया अपने खुद के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि DAPA की तरफ से इन मिसाइलों को लेकर जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक ये एक लाइट वेट एयर लॉन्च लॉक ऑन वेपन रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें कि दो तरीके के सीकर होते हैं, और ये सीकर विजिबल लाइट और इंफ्रारेड इमेज दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, और इसमें गाइडेंस के लिए फाइबर ऑप्टिकल डाटा का यूज किया जाता है। और दोस्तों इन मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये टोटल 4 इसके अंदर सबसेक्शन होते हैं, जिनमें एक होता है मिसाइल के सीकर, जो कि इसके अलावा प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल मैकेनिज्म और इसका बैटरी, और इन सब सिस्टम्स के अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल भी होती है जो कि इसके रियर सेक्शन में होती है। मिसाइल में स्पोकलेस सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रॉकेट मोटर के साथ ऑपरेट करता है, जिसके सहारे ये जो मिसाइल है ये करीब करीब 200 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम रफ्तार को पकड़ लेती है। और दोस्तों ये मिसाइल करीब 8 किलोमीटर दूर तक अपना निशाने को साध सकती है। अगर यहाँ पर मिसाइल की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये 1000 मिलीमीटर के पेनिट्रेशन पावर के साथ आती है, और ऐसे में होमोजीनियस आर्मर को भी भेदने की क्षमता इसके अंदर होती है। यहाँ तक कि DAPA के पर्सन की तरफ से अपने बयान में ये तक कहा गया है कि मिसाइलों का इस्तेमाल फिलहाल कोरियन मरीन क्रूज के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, और साल 2024 से ही इसे हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और DAPA के स्पोक पर्सन की तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि इन मिसाइलों के बेस पर हनवा कंपनी की तरफ से एक लैंड लॉन्च भी बनाया गया है, लेकिन फिलहाल इन मिसाइलों के जो मास प्रोडक्शन है वो एयर लॉन्च वेरिएंट तक सीमित रहेंगे, और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि कोरिया की तरफ से ग्राउंड वेरिएंट को भी यहां पर बनाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर निकल कर नहीं आई है। लेकिन दोस्तों साउथ कोरिया की तरफ से ये जो मिसाइल को बनाया जा रहा है ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है कि साउथ कोरिया भी वो देश है जो कि अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को परचेज किया करता था। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब अमेरिका के कोरिया के द्वारा एंटी टैंक मिसाइलों को खरीदने का जो जरूरत है वो नहीं रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कोरिया की तरफ से इसी तरह के एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से जो हेल फायर जैसी मिसाइलों को परचेज किया जाता था, और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल के रूप में कोरिया अमेरिका के कई तरीके के सोल्जर फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदता था, लेकिन अब खुद के मिसाइलों को डेवलप करने पर कोरिया के द्वारा बात यहां पर की जा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हेल फायर जैसी मिसाइलों को खरीदने के लिए ना तो कोरिया को भविष्य में जरूरत पड़ेगी और ना ही दूसरी किसी मिसाइल को कोरिया यहां पर अमेरिका से परचेज करेगा। तो दोस्तों आपको यहां पर क्या
लगता है कि इस सबसे अमेरिका को कितना बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।